अब बताइए कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? और अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज जल्दी कैंडल्स बुझाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, निकाह के बाद थोड़े बहुत बचपने की इजाजत है प्लीज, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा मेरा, सीरियसली। यार आप भी ना, इजाजत है। थैंक यू। वैसे कहते हैं कि जब ये तय हो जाए कि अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, तब उस जिंदगी को शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। Which means, मैं कल सुबह ही सबको इसके बारे में बता दूंगा। सच? सच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हुजूर तो नाराज हो गए, बताया ना किसी और के बुलाने से आई हूँ, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ मिल जाओगे। पता चल गया ना, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझी? क्यों? ओ, क्योंकि आप यहाँ अपनी बेगम के साथ आए हैं, मुझे नहीं मिलवाएंगे उनसे। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उस पर उल्टा इल्जाम भी लगा सकते हो ना, आखिर वो भी तो आपके छोटे भाई पर डोरे। शट अप। और ध्यान में रखो, निखत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझी तुम? मिलवाइए ना, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी सुहागरात वाले दिन उनके शौहर किसकी बाहों में थे। अब इतना बड़ा सच मुझसे तो उनसे छुपाया नहीं जाएगा। ये बकवास करना बंद करो और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, तुम जिसके साथ आई हो यहाँ पर, मैं तुम्हें उस क्लाइंट से दुगना पैसा दूंगा, लेकिन पैसे लेके तुम यहाँ से रवाना हो जाओगी, समझे तुम? पैसे 3 गुना ज्यादा लूंगी, और वो भी कैश में। ठीक है, मैं एटीएम से पैसे निकालकर तुम्हें होटल की लॉबी में मिलता हूं, तुम बस यहां से निकलने की तैयारी करो। अपनी बाकी की जिंदगी दिलशाद के साथ जीना चाहता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहूंगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मिस्टर खान, और प्लीज मेरी बात आराम से सुनिएगा। मिस्टर खान, आपको ऐसा लग रहा है कि पुप्पी जो कुछ भी कर रही है वो ऐसा नहीं करना चाहती, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। सरोगी, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ना करूं मतलब? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? और बाय द वे, मैं इस बात में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं, क्योंकि वो आपकी अम्मी होंगी लेकिन मेरे लिए अम्मी से बढ़कर है।
और मैं पुप्पी को कुछ भी हो जाए इस हाल में नहीं देखना चाहती। किस हाल में मिस फारूकी? आपको क्या लगता है वो यहाँ खुश नहीं? वो वहां उनके साथ जाकर रह के वहां खुश रहेंगी? आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं मिस्टर खान। आपको पता है आज तक पुप्पी दो हिस्सों में बंटकर रही है। उनका एक हिस्सा हमेशा आपके और नजमा के पास रहा है और दूसरा हिस्सा अपने शौहर के पास। और आज जब इतने सालों के बाद वो मुकम्मल होना चाहती है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मिस्टर खान। आप चाहे माने चाहे ना माने, वो आज भी अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती। मिस्टर खान, ये बात आपसे और मुझसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता कि अपनी मोहब्बत से जुदा रहना कितना मुश्किल है। जिंदगी बोझ बन जाती है और सांस लेना गुनाह हो जाता है, और हम अपने प्यार से मिलने की उम्मीद में जीते हैं। पुप्पी भी इतने सालों से उसी उम्मीद में जी रही है मिस्टर खान, और आज जब इतने सालों बाद उनकी उम्मीद पूरी होने जा रही है तो आपको तो क्या किसी को कोई हक नहीं बनता कि उनके बीच में आए। और आप अपनी एग्जाम्पल लीजिए, आप किस तरह सारी बंदिशें तोड़कर मुझे लेने के लिए आ गए। आज इतनी हिम्मत जुटाकर आपके अब्बू ने भी वही कदम उठाया है। प्लीज मिस्टर खान, बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मिस्टर खान, मोहब्बत से लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि इश्क पे किसी का जोर नहीं होता। मिस फारूक, मैं अम्मी को नहीं रोकूंगा। लेकिन उन्हें अपने शौहर अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। निखार भाईजान आ जाएंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम एक काम करो, जाके कमरे में आराम करो। जाओ। बाजी, कैसे आराम करूं? अल्लाह जाने फरहान कहां पर होंगे, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। हम एक काम करते, यही लॉबी में वेट करते हैं। वो आएंगे तो यहीं से आएंगे, ठीक है? बाजी, आप क्यों वेट करेंगी? आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए, मैं रुकती हूँ। लिखत, उसमें क्या है, मैं वेट कर लूंगी तुम्हारे साथ। नहीं बाजी, आप जाइए आराम कीजिए। Are you sure? जी ठीक है। किसी का इंतजार कर रही हो? अपने शौहर का। वैसे मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। क्या? मेरा मतलब है अपने उनका। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ अपने हनीमून पर आए हो, और हनीमून पर तुम्हारा पति तुम्हें इतना इंतजार करवाए, ये अच्छा शगुन नहीं होता। सब मर्द एक ही जैसे होते हैं। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं मुझसे? उप्स, सॉरी। वो क्या है ना, मर्दों के मामले में मेरा एक्सपीरियंस तुमसे थोड़ा अलग है। एक्सक्यूज मी। Thank you.
यहां से बाहर चलो। ये लो और यहां से चलती बनो। बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगे आप? तुम्हें समझ में नहीं आता? देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरे साथ देखे यहां पर, ओके? सो प्लीज ये पैसे लो और अब निकलो यहां से। ठीक है, लेकिन इतना तो आप जानते ही होंगे कि मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेती। जाते जाते कुछ नजराना तो देते जाइए, वरना ये पैसे मुझे हजम नहीं होंगे। Just shut up. बात सुनो निखत, निखत रुको, निखत प्लीज प्लीज रुको निखत। क्या रुको मैं? कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। निकाह के बाद हर रात आप घर से बाहर गए। मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, दिल ये कहता था जरूर कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये वो वजह थी। अगर आपको जिंदगी में ये सब कुछ चाहिए था तो आपने मुझसे निकाह क्यों किया? आपने निकाह देखा, मेरी बात सुनो। आपको देगा ये मुझे चुना मत। क्यों किया आपने ये सब? बोलिए, क्यों किया आपने ये सब? किसने हक दिया आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? बोलिए वरुण, क्यों किया आपने ये सब? निखत, स्टॉप इट। मेरी बात तो सुनो निखत, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। प्लीज वरुण, मैं आपकी बीवी हूं, आपको मुझे सच बताना पड़ेगा। बोलिए ना, बताइए ना वरुण, सच क्या है? मेरा पहले भी निकाह हो चुका है, तुम मेरी दूसरी बीवी हो। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ कौन सा होता है? जब शौहर तुम्हारे सीने पर लाकर सौतन को बिठा दे, वो बोझ जो बीवी अपनी सौत को ना रोक सके ना, वो बीवी नहीं होती, समझी? श्रीनगर में ये कहूं कि दिलशाद हमारे साथ आके रहे तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये भी सच है शिरीन की मैं दिलशाद से भी मोहब्बत करता हूं। क्या आप अपनी अम्मी के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हैं?
नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मेरे साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हैं ये नहीं? अम्मी आखिर हुआ क्या है, आप कुछ बताएंगे मुझे, आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपके अब्बू इस घर में मेरी सौतन लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या जी? वो दिलशाद को यहाँ लेकर आ रहे हैं यार, और अगर वो यहाँ आ जाती है तो मैं नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलिए यार, अब फैसला आपको करना है कि आपको अपने अब्बू का साथ देना है या अपनी अम्मी का, क्योंकि मेरे लिए तो फैसला हो चुका है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आपके अब्बू और मेरा इतना ही साथ लिखा हुआ था यार, मैंने सोच लिया है मैं अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना अपने शौहर के साथ, मेरा ये घर छोड़ के जाने का वक्त आ गया है यार। मेरा तुम्हारे अब्बू के साथ होने का वक्त आ गया है, अब मैं अपने बेटे को छोड़कर शौहर के पास जाऊंगी, मेरा घर छोड़ने का वक्त आ गया है, आ गया है असर। समीरा एक बहुत ही मासूम और भोली भाली लड़की थी, उसे नाचने का बहुत शौक था। वो गरीब घर की थी और बदकिस्मती से कुछ बुरे लोगों के बीच फंसी हुई थी। वो लोग उसे जबरदस्ती कोटे पर बिठाना चाहते थे। वहां से वो भाग निकली और उसी दौरान वो मुझसे टकरा गई। हमारी मुलाकातें बढ़ी, हम एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने निकाह कर लिया। इसी बीच जब मैं बिजनेस के सिलसिले में दुबई में था, तब एक दिन मुझे पता चला कि समीरा लापता है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। मैं पुलिस के पास गया लेकिन पुलिस ने यहां तक कह दिया था कि समीरा मर चुकी है। ये 2 साल पुरानी बात है लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि समीरा अब इस दुनिया में नहीं। मुझे लगा कि समीरा वापस उन लोगों के चंगुल में फंस चुकी है, इसलिए मैंने उन कोठों पर जाना शुरू किया। वैसे तुम यहां कब से हो? यहाँ बाकी सब लड़कियों को तो जानती तो होगी ना तुम। लेकिन मैं वहां सिर्फ इसी उम्मीद से ज्यादा था निखत कि कभी किसी रोज कोई तो सुराग मेरे हाथ लगेगा। लेकिन निखत, मैंने कभी किसी लड़की का गलत फायदा नहीं उठाया। अम्मी को लगा मेरा निकाह हो जाएगा तो
अपने गुजरे हुए कल को भूल जाऊंगा। पर समीरा को ढूंढना मैं कभी बंद नहीं कर सकता। वो कहां है, किस हालत में है, ये जाने बगैर मैं चैन से नहीं बैठ सकता। निखत, तुम अगर मुझे छोड़ना चाहती हो तो ठीक है, और तुम जो भी फैसला लोगी मुझे कबूल है।